जहन दोस्तों, अभी आपने दो वीडियो की झलक देखी। एक वीडियो में हमारे जवान हैं ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं, जहां पर अमरनाथ यात्रियों के लिए ब्रिज टूट गया था, और आप देख सकते हैं दूसरी जगह दो जवान हैं, एक सिविलियंस को लिफ्ट करके आ रहे हैं ऊपर से वायर, और नीचे बड़ा नाला चल रहा है। दोनों तरफ जान का जोखिम है दोस्तों, चाहे वो ब्रिज बना रहे हो चाहे या इस किसी को रेस्क्यू कर रहे हो। बात सिर्फ ये होती है, क्या इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है? क्या इसमें ज्यादा आईआईटी इंजीनियर की जरूरत है? क्या इसमें बहुत पढ़ा लिखा है अंग्रेजी बोलने वाले की जरूरत है? नहीं, इसमें जरूरत है तो साहस की, करेज की, जो सिर्फ इंडियन आर्मी के जवान के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। दूसरे देशों की तुलना तभी कहा जाता है कि भारतीय सेना का जवान सबसे साहसी होता है, वो बिना अपनी जान की फिक्र किए हुए अपना सब कुछ झोंक देता है अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए। नेशन इज फर्स्ट कहते हैं कि ये है कर्तव्य निष्ठा। आप देखिए, चंद मिनटों में ब्रिज बनाया, अपनी जान जोखिम में डालकर भारी भरकम सामान उठा रहे हैं, लगे हुए हैं, न शरीर की परवाह कर रहे हैं, न जान की परवाह कर रहे हैं, न भूख की परवाह कर रहे हैं, और बिना परवाह किए हुए भी ये सिर्फ काम भारतीय सेना का जवान कह सकता है, ये आप पूरा देश समझ ले। और मैं उस साइट का धन्यवाद करता हूं, चाहे एडीजीपीआई की तरफ से, चाहे डिफेंस पीआरओ, जो आजकल इस तरह ट्विटर पे वीडियो डालते हैं, इससे पता चलता है कि भारतीय सेना आखिर में करती क्या है। और उन लोगों के मुंह पे तमाचा ये बोलते हैं कि इनकी तनख्वाह इतनी कैसे है, मात्र 30,000 में मैंने मिलिट्री सर्विस पे क्यों दी जाती है, उन्हें इतना खाना क्यों दिया जाता है। यानी सारी चीजें आप देख लो, कान खोल करके सुन लो। आप कितने पढ़े लिखे हो सकते हो, आप साइंटिस्ट हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, लेकिन वो करेज कहां से लाओगे जब जिंदगी और मौत के बीच में खड़े होके काम करने का साहस चाहिए, वो सिर्फ भारतीय सेना के अंदर है। और ऐसे वीडियो जो ट्विटर पे मिले, आज किसी भी साइट पे जब होते हैं, वायरल होते हैं, तो बड़ा खुश होता है कि नहीं, हमने इस संस्था में रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, आपके लिए भी गौरव की बात है। धन्यवाद दोस्तों।